नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। घाघर नदी का जल स्तर खतरे के निशान से पहुंचा ऊपर। ऑटोवियर में अब तक का सबसे अधिक पानी पहुंचा। आज ऑटोवियर में 15,000 क्यूसेक से अधिक पानी। खनौरे से अभी भी 12,800, गुहला चिका में अभी भी 38,770 क्यूसेक पानी सिरसा की ओर आ रहा है। वहीं अगले दो दिन सिरसा के लिए खतरनाक हैं। किसानों की मुश्किलें बढ़ी। नदी के किनारे में अंदर खेती की जा रही थी वो बर्बाद हो चुकी हैं। कल और बढ़ सकता है सिरसा में घघर का पानी। वहीं ग्रामीण बोले, प्रशासन ने नहीं दिखाई है मुस्तैदी। ग्रामीण और पुलिस जवान रात भर जागते रहे पहरे पर। वहीं घघर में पानी पड़ने से किसानों और ग्रामीणों की नींद उड़ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है, जिस वजह से उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ रही है। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को पुल के हालात से भी अवगत करवा दिया गया है। अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके बाद में पुल को दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। घघर नदी के आसपास में रहने वाले किसान और उनकी जिनकी जमीनें हैं वे पूरी तरह से परेशान हैं। अपने खुद के ट्रैक्टरों से मिट्टी डालने का काम वे खुद कर रहे हैं। वहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पलपल ऑटो से सुनील कुमार की ये रिपोर्ट। अब पानी तो बढ़ रहा है, पीछे आसार यही है भी खेतों में बहुत ठिकरी पैरा लगा हुआ है और उसकी वजह से सभी किसानों को बहुत परेशानी आ रही है। रात को दिन रात जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ ज़्यादा इतनी वो नहीं मिल रही हमारे को। पानी तो बहुत ज़्यादा रिस्क पे चल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। पानी तो इतना ओवरफ्लो हो रहा है। ऑटो हेड पर हम 3-4 दफ़ा जाया, उनको भी कह दिया हमने भी इसका कुछ एक दो गेट और खोले जाएं और पीछे वाले किसानों को बेनिफिट हो जाएगा। वो नहीं मान रहे इस बात को। उन्होंने आज हम कहें तो वो कह रहे हैं अभी हम तो इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। हाँ जी, पुल में दरार आई है, इसके पिलर बैठ चुका है और इसके लिए यातायात को बहुत परेशानी होगी और किसानों के मन में भी भय बैठा हुआ है भी शायद पुल बैठ गया तो हमारे पीछे की फसलें ख़त्म हो जाएंगी। प्रशासन अभी तक तो हमने तो देखा नहीं इसके बारे में कोई आया हो। पुलिस वाले आए हैं, वो उन्होंने ये इस साइड की यातायात बंद करवा दी। परली साइड से चल रही है एक साइड से।